जनपद हापुड़ के बाबागढ़ में स्थित विकास ग्लोबल स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी के सात छात्रों ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास किया है। इस अवसर पर विद्यालय में खुशी का माहौल है। क्वालिफाई करने वाले छात्रों को स्कूल के चेयरमैन विकास तेवतिया और डायरेक्टर व प्रिंसिपल वर्षा तेवतिया ने मुँह मीठा कराकर छात्रों को शुभकामनाएं दी। वर्षा तेवतिया ने छात्रों का तिलक लगाकर स्वागत किया। चेयरमैन विकास तेवतिया ने इस अवसर पर छात्रों को शुभकामनाएं दी। सात बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है, कल इसका रिजल्ट आया है और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। उसके साथ देखने में ये भी आ रहा है कि जो बच्चे अब नेक्स्ट सेशन के लिए प्रिपेयर होने वाले हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह है। इंटीग्रेटेड हम कई चीज़ें चलाते हैं, जैसे स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चे खेल में अच्छा है उनको हम खेल की ट्रेनिंग कराते हैं, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, एथलेटिक में हमारा बहुत अच्छा रहता है। और जो बच्चे भविष्य के लिए कोई ऑफिसर रैंक के लिए तैयार होना चाहते हैं तो स्कूलिंग के साथ साथ हम थोड़ा सा उनको जैसे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, एनडी वगैरह की प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड स्कूल के साथ साथ ही कराते हैं। कैंपस फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। दिल्ली एनसीआर से काफ़ी दूर दूर से बच्चे हमारे पास हॉस्टल में रहते हैं। फर्स्ट क्लास से हम बच्चों को हॉस्टल में लेना शुरू कर देते हैं। अनुभवी टीचर सर हमारे पास हैं। कई टीचर ऐसे हैं जो आवासीय हैं, जो कैंपस में ही रहते हैं, जो इवनिंग क्लासेस देखते हैं या हॉस्टल के बच्चे हैं उनके रात की पढ़ाई को हम मॉनिटर करते हैं। कई टीचर हमारे पास ऐसे हैं जो राजस्थान में पहले से ही किसी इंस्टीट्यूशन में रेजिडेंशियल रहते थे, अभी उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो आवासीय शिक्षक भी हमारे पास हैं ताकि बच्चों को हर समय मॉनिटर कर सकें। प्रिंसिपल व डायरेक्टर वर्षा तेवतिया ने बताया कि स्कूल के सात बच्चों ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की एंट्रेंस परीक्षा को पास किया है। विकास ग्लोबल स्कूल के बच्चों ने ऑल इंडिया सैनिक परीक्षा 2023 में सिलेक्शन लिया है। टोटल सात बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इस वक्त सात तक हमारे साथ नहीं है किसी कारणवश, तो टोटल सात बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, जिनमें से एक बच्चा सार्थक जिसने ऑल इंडिया रैंक भी हासिल की है, जिसका टोटल स्कोर 251 रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है। विकास ग्लोबल स्कूल की अगर मैं बात करूं तो जो प्रथम चीज़ जो हम यहाँ पर बच्चों को सिखाते हैं वह है अनुशासन, और अनुशासन में भी स्वानुशासन की हम बात करते हैं। हमारे यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को इंटीग्रेटेड कोर्स के माध्यम से ऑल इंडिया सैनिक, यूपी सैनिक, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कराई जाती है। तो एक ऑल ओवर डेवलपमेंट पर हम लोग काम करते हैं और मुख्यतः अनुशासन और आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए हम बच्चों को तैयार करते हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि यदि अपने ये जिले का, हापुड़ जिले का कोई बच्चा ऑल इंडिया रैंक भी लेकर आ रहा है तो वो तो हमारे लिए, हम सबकी उपलब्धि है, कोई विकास ग्लोबल स्कूल डिफेंस एकेडमी की उपलब्धि नहीं है। और इसका श्रेय मैं बच्चों की के हार्डवर्क, उनके टीचर्स, उनके मेंटर्स को देना चाहूँगी। हम तो मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। नहीं, इनमें से कुछ बच्चे हापुड़ जनपद से हैं, कुछ मेरठ से हैं, कुछ गाजियाबाद से हैं, तो हमारे पास अलग जिले के बच्चे भी हमारे विकास ग्लोबल स्कूल डिफेंस एकेडमी के रेजिडेंशियल स्कूल में रहकर तैयारी करते हैं। स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि छात्रों ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए कड़ा परिश्रम किया है। हमारे स्कूल के सात बच्चों ने ऑल इंडिया सैनिक में अच्छे मार्क्स लाके एंट्रेंस एग्जाम पास किया और हमें उन पर बहुत प्राउड है कि वो अपने फ्यूचर में बहुत अच्छा करेंगे। जिनमें से एक बच्चे ने RMS टॉप रैंक लाया, ऑल इंडिया में भी टॉप रैंक लाया और यूपी सैनिक में भी टॉप रैंक लाके विद इंटरव्यू सेलेक्ट भी हो चुका है। एक बच्चा सार्थक नाम है इसका, और इन छह बच्चों के लिए भी मेरा ये है कि आगे के लिए मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा करेंगे और इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। Smiley, I am working as a coaching inside Vikas Global School and Defence Academy. Our students have brought glory to the school by qualifying in All India Sainik School examination. Heartiest congratulations to the parents and staff. I want to convey message जो भी बच्चे preparation कर रहे हैं 24 के लिए कि मॉक टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जामिनेशन के लिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप स्कोर कर सकेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग सेशन। आपको बताते चले कि सार्थक, आरव बालियान, सव्य पुनिया, दीपांशी जिंदल, देवांश चौधरी, वेदांश चट्ठा ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। हमने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का परीक्षा पास करी है, जिसमें हमारी जो बुकलेट थी उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन था और हमने सारे अटेम्प्ट करे, और यहाँ पे बच्चों को बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ाया जाता है और यहाँ पे स्मार्ट वर्क की हेल्प से पढ़ाया जाता है बच्चों को, और मुझे अपने लाइफ में फ्लाइंग ऑफिसर बनना है। मैंने सैनिक का एग्ज़ाम दिया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम,
जिसमें सर मैं क्वालिफाई हो गया हूँ। सर मुझे बहुत खुशी हो रही है क्वालिफाई कर कर, और सर ये सब मेरी और मेरे टीचर्स की मेहनत से है। अगली बारी मेरा पहला अटैम्प्ट था सर, पहले अटैम्प्ट में मैंने अच्छा करा, और सर अगले अटैम्प्ट में मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ। यहाँ पे दो चीज़ है, स्कूल एंड कोचिंग। जो कोचिंग वाले बच्चे हैं उसमें सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, जवाहर नवोदय के बच्चे, और सर स्कूलिंग में है आपके क्लासेस वाइज।